में हम डिस्कस करेंगे टाटा मोटर्स स्टॉक के बारे में, और इस स्टॉक में इस समय बहुत सारे लोग जो हैं वो फियरफुल होते दिख रहे हैं। और जब मैंने उनसे पूछा आप क्यों फियरफुल हैं, तो उन्होंने कहा कि सर ये ऑलरेडी वन साइडेड ट्रेंड हो चुका है, यहाँ पे बाइंग करना काफी खतरा होता है। तो इस प्राइस पे मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए तो बाइंग नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो ये अभी भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकता है। और शॉर्ट टर्म के लिए हमेशा गिरे हुए स्टॉक जो टेक्निकली शॉर्ट टर्म के लिए कब खरीदेंगे, जब स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग हो, लेकिन जब लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करेंगे तब क्या वो टेक्निकली वीक हो लेकिन फंडामेंटली स्टॉक जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में बड़े रिटर्न बनते हैं। तो रिसेंट में अगर एक बार देखें टाटा मोटर्स में मल्टीपल न्यूज ट्रेंड होते हुए देखी, जहां हमने मूडीज S&P सभी ने इसके CFR को अपग्रेड करे। यहां देखेंगे मूडीज S&P और टाटा टेक्नोलॉजी के IPO आ रहे हैं, 20 साल के बाद टाटा ने कोई IPO लाया है, ये सभी न्यूज ट्रेंड होते आपको दिख रहा है। इसके अलावा अगर टेक्निकल ट्रेंड देखें इस स्टॉक का, तो अगेन वीकली टाइम फ्रेम पे जहां ऑटो सेक्टर भी ट्रेंड स्ट्रांग है, और यहां देखेंगे कि टाटा मोटर्स के ट्रेंड भी स्ट्रांग है। और जब स्टॉक टेक्निकली स्ट्रांग होना और सेक्टर भी उसका साथ दे रहा हो, यानी ये स्टॉक एक मल्टीबैगर स्टॉक हो सकता है, सिंपल। और जो डिलीवरी है वो काफी बेटर डिलीवरी इस स्टॉक में दिख ही रहा है। अगर लास्ट ट्रेडिंग के कामकाज को देखें तो स्टॉक 74 क्वांटिटी नॉमिनल सी, लेकिन अभी भी डिलीवरी देखें तो 43% दिख रहा है। इस प्राइस पे इतनी बड़ी डिलीवरी ये फिनोमिनल है। जो कोविड लो थे वहां से स्टॉक ने नियर अराउंड 1000% यानी 980% के रिटर्न हमने पिछले कोविड लो 2020 से अभी तक के रिटर्न दिखे हैं, और 3 लाख के शेयर भी हैंड चेंज करे हैं। एक बार इसके सेक्टर और इसके स्टॉक को देखते हैं। जो इसका सेक्टर है वो सेक्टर एक बार देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, ये यहां से ट्रेंड कंटिन्यू, फिर ये ट्रेंड देखेंगे और इसको हम बोलते हैं हायर हाई हायर लो। अब इस स्टॉक में हमारा जो SL है वो 37100 के नीचे का SL सेक्टर वाइज, जो कि इस समय 3856 चल रहा है, 38516 चल रहा है, इसके नीचे जब तक नहीं आएगा ये ट्रेंड आपको कंटिन्यू, एक तो ब्रेकआउट हायर हाई हायर लो का दिख रहा है, और जब इस प्रकार के सेक्टर ही ब्रेकआउट कर रहे हैं तो ऐसे स्टॉक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। एक बार इसके स्टॉक को भी हम देखेंगे कि टाटा मोटर्स का स्टॉक टेक्निकली क्या कह रहा है। टेक्निकली हमने वीकली टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक को देखा, जो इसके रिसेंट के हाई थे, यहां से देखेंगे लास्ट टाइम जो स्टॉक ट्रेंड रहा था, तो ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये शूटिंग स्टार कैंडल बनते हुए दिखा, और यहां से एक डाउन ट्रेंड भी दिखी थी अच्छी खासी, लगभग 7% 6-7% के आसपास की टेक्निकल वीकनेस दिखी। लेकिन अगेन ये स्टॉक अपने जो रेजिस्टेंस थे 6-7-8 के उसको ब्रेकआउट कर दिया है, और जब रिवर्सल इतना जल्दी हो यानी ट्रेंड स्ट्रांग है, इस समय इस स्टॉक में यहां देखेंगे 660 के नीचे के SL को लगा करके लॉन्ग कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि 720-840 और मैक्सिमम 1000 तक के ट्रेंड नेक्स्ट 6 मंथ में दिख सकता है। और 660 के नीचे के वीकली क्लोजिंग के बाद ही वीकनेस आएगी, नहीं तो ये अपर साइड